शाहजहांपुर में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के निगोह थाना के सामने बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया, जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। अलीगढ़ के थाना कुवारसी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसएसपी से शिकायत की। युवक ने आरोप लगाया कि महिला सरकारी पैसे लेने के लिए उसके परिवार के लोग के साथ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराती थी। वही युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे खिलाफ एक रेखा सूर्यवंशी जो लेडीज है, उन्होंने फर्जी मुकदमा लगाया मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार पे। किस तरीके का मुकदमा लगाया सर? उसमें एसटी एक्ट और घर में घुस के छेड़छाड़ का लगाया मेरे ऊपर। क्या हुआ, क्या था सर? कुछ नहीं हुआ है। मेरा पड़ोसी है वो, और ना कोई वारदात हुई ना ही कुछ। बस मतलब उसने लेडीज़ ने, इनका काम ही ये है कि ये फ्रॉड, मतलब दूसरे के सामने फ्रॉड केस बना के और लोगों से वसूली करते हैं। देखिए, आज ये एक ये प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक वादी ने ये सूचना दी है कि एक महिला और उसके परिवारजनों द्वारा कई अन्य घटनाएँ दर्शाते हुए कई मुकदमे पिछले लगभग 5-6 वर्षों में पंजीकृत कराए गए हैं, और जिसमें बाद में वो लोग फैसला कर लेते हैं। तो इस संबंध में अब क्योंकि ये एक कई वर्षों से अगर ये ऐसी घटना चली आ रही है, तो सभी जो वाद हैं उनकी हम जांच करवा लेते हैं एक बार, और जांच के उपरांत यदि ये पाया जाएगा कि ये घटनाएं जो हैं वो सत्य नहीं हैं, तो उसके अनुसार हम अवश्य ही उस महिला के परिवार और उसके विरुद्ध इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको करेंगे। अलीगढ़ में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने बहू का सिर मुंडवाकर चाकुओं से उसके हाथ पैर काट दिए और 3 दिन तक कमरे में बंद कर प्रताड़ना की। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ससुराल वालों को कब्जे में लेकर जेल भेज दिया। मारपीट की पहले तो सारे परिवार वालों ने खिट्टे होके, फिर चाकू रख के मेरे हाथ काटे, फिर मेरे सिर के बार काटे और मुझे फांसी दे के हाथ पैर सब बंद करके नैया कब्रे में बंद रखी 2 दिन तक। जब उन्हें नुजानी ये ख़त्म हो गई है, जब मेरी नार फांसी खोली गले की। देखिए, थाना खैर में एक ये घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें एक महिला ने अपने परिवार के ही अपने पति और अन्य परिवारी जनों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके बाल काट दिए और उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खैर पर FIR नंबर 202/22 पंजीकृत है, और जिसमें उसके पति को उसको गिरफ्तार करके उसका चालान भी किया जा चुका है, और महिला के मेडिकल के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें शीघ्र ही की जाएगी। औरैया में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक 5 साल पहले महिला की शादी किसी और के व्यक्ति से हुई थी। वही महिला ने अपने प्रेमी के घर जाकर फांसी लगाई। बांदा में भाजपा नेता अनंत त्रिपाठी उर्फ बब्बू के संरक्षण में अचरौड़ खदान में अवैध खनन हो रहा है। वही सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर संचालक लगा रही हैं। वही CCTV की फुटेज सामने आने के बाद प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। बिजनौर के विकास भवन में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पूरे जनपद के धर्म गुरुओं के साथ एक भाईचारा एकता की मीटिंग का आयोजन कर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सभी से एक दूसरे के त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। ये मीटिंग अभी इस हॉल में जो इसमें हम लोग एकत्रित है, खास करके 3 त्योहारों के लिए बुलाई गई है। एक तो ईद, और उससे पहले इस शुक्रवार को नहीं, अगले शुक्रवार को ये नमाज होगी, और 3 तारीख को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है। तो इसके लिए हम लोग जो बंदोबस्त हैं, कहते हैं इंटरनल मीटिंग हो चुकी है, और ए पीस के मीटिंग थोड़ा सा और हम लोग देर में करते, 2-4 दिन बाद करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि अभी तक पीस कमेटी की मीटिंग साथ नहीं की गई। तो आनंद फॉरन में आपने देखा होगा, हम लोगों ने ये सोच को बताया था कल या परसों, हमने कहा जो है थोड़ा सा आपका लोकल स्तर पर इंटरेक्शन हो जाए। बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर कुछ दिन पूर्व पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संबल में हेपेटाइटिस सी से लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जहां करीब 10 दिन पहले हेल्थ महकमे से सबसे पहले ग्रामीणों के सैंपल लिए गए थे। बता दें, पहले ही दिन लिए गए 55 सैंपल में सभी 55 सैंपल पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद हेल्थ महकमे में 85 सैंपल और लिए गए, जिसमें 55 फिर पॉजिटिव आए। अब तक हमारे यहाँ 228 लोगों की हमने जाँच की है, जिसमें से 129 लोग हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट में 129 पॉजिटिव आए हैं,
और इसके अलावा हमने लगभग 76 लोगों के वायरल लोड के लिए हमने सैंपल दोबारा से ले लिया। सरोवर नगर नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल झील में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने भीमताल झील में एक शव तैरते हुए देखा। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पौड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव में विकास खंड पाबू में आज स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। उत्तराखंड में हम 115 स्थानों पे ब्लॉक स्तरीय मेले लगा रहे हैं आजकल, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी मेले हो रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है चेकअप करने आ रहे हैं, उनके गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और सभी विभागों के लोगों का भी इसमें सामंजस्य हो रहा है और काफ़ी लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, सबको निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। पीलीभीत में सपा के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के फोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी मिली, जिसको लेकर हेमराज वर्मा के फोन पर आए नंबर के टेक्स्ट मैसेज के साथ ही पूर्व मंत्री ने एसपी से शिकायत कर अपनी जान को खतरा बताया। देखिए, आज मैं अपने कैंप ऑफिस गोदावरी स्टेट में बैठा था कार्यकर्ताओं के बीच में। दोपहर 1:03 पर मेरे नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, उसमें जान से मारने की धमकी दी गई, लिखा गया आई किल यू। तो मैंने सूचना को पुलिस अधीक्षक को दे दिया, उसका स्क्रीनशॉट और एप्लीकेशन, और अब चूँकि मामला गंभीर है और सूचना दिए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। अब ये पुलिस प्रशासन शीघ्र उसका पता निकाले क्या हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे। जैसे पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज हुआ था आई विल किल यू। इस संबंध में जांच पड़ताल की गई, इसमें तेज बहादुर नाम के व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जो भखड़ा का ही रहने वाला है और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उसका गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत में भाभी ने देवर को अपनी बेटियों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। वही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए। सैकड़ों पर्यटक लक्ष्मण झूला थाने के डेंजर जोन के गंगा घाटों पर नहाने के लिए पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस डेंजर जोन गंगा घाटों पर पर्यटकों को हटाने के लिए पहुंच गई। पौड़ी के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि डेंजर जोन गंगा घाटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।